हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में पौष कॉलोनी हरिलोक में बदमाशों ने व्यापारी के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित व्यापारी सचिन अग्रवाल का कहना है कि ताक लगाए बैठे बदमाश उनके बैग पर झपट्टा मार फरार हो गए। सचिन ने बदमाशों का पीछा भी किया, 100 नंबर पर कॉल की लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर सचिन थाने में पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई। टू व्हीलर पे थे, वो एक्टिवा है या जुपिटर है ये मैं नहीं कह सकता। एक बंदे ने स्टार्ट कर रखी थी और दूसरे ने, जिससे मैंने जैसे ही स्कूटर में से डिग्गी में से बैग निकाला, उसने मेरे हाथ पे झपट्टा मार लिया। नहीं, मैं कुछ नहीं देख पाया। 100 नंबर पे वो उठाने, तो फिर हम थाने में आए। वही मामले पर पुलिस जल्द से जल्द बदमाशों को पकड़ने का आश्वासन दे रही है। ये एक व्यापारी है सचिन अग्रवाल, इनका कहना है कि ये आज शाम को कलेक्शन करके लौटे थे अपने हरिलोक कॉलोनी स्थित घर पर। तो जैसे इन्होंने अपने स्कूटर था खड़ा किया, उसमें से बैग निकाला जो उनका कलेक्शन का था, तो कुछ लोग स्कूटी पर आए, कुछ अज्ञात लोग, और उनके द्वारा वो बैग छीन कर भागे हैं। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, सभी जगह बैरियर डाउन करके चेकिंग की जा रही है और CCTV कैमरे खंगाले जा रहे हैं, जो भी इनके बारे में अभियुक्तों के बारे में सूचना मिलेगी तत्काल कार्रवाई। जानकारी के अनुसार बैग में करीब 4 लाख रुपए थे। बहरहाल मामले पर पुलिस की जांच जारी है। देखना ये होगा कि पुलिस कब तक बदमाशों को सलाखों के पीछे भेजती है। हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट।